आदाब हैदराबाद। आदाब नाजरीन, मैं खैरुन्निसा। दूरदर्शन यादगिरी के खुसूसी प्रोग्राम आदाब हैदराबाद में आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ। आज हम शहर के मारूफ लीगल एक्सपर्ट जनाब एजाज अली कुरैशी एडवोकेट से मुलाकात करवाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज जी। जी ये बताइए, आजकल हम बहुत सारी अदालतें देख रहे हैं इंडिया में, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, इंडिया में आजकल बहुत सारी अदालतें हैं, जो हर अदालत का अपना अपना काम अलग मुख्तलिफ किस्म का है। जैसे सिटी सिविल कोर्ट है और क्रिमिनल कोर्ट है, जूनियर कोर्ट है। सिविल कोर्ट जो होता है, इसमें सिविल केसेस चलाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो मकानात के जो केसेस होते हैं, तनाज़े और माली तनाज़ा जो होता है, माली तनाज़ा यानी रकम लेन देन का जी। वैसे जो केसेस रहते हैं वो सिविल टाइप होते हैं, वो सिविल कोर्ट में चलाए जाते हैं। इससे अगर हटकर अगर आप देखें तो क्रिमिनल कोर्ट में ऐसे केसेस चलाए जाते हैं जो क्रिमिनल होते हैं, जैसा कि मर्डर केसेस है, चोरी का केस है, रेप केस है, एसिड अटैक केसेस है, तो ये क्रिमिनल टाइप है, तो ये क्रिमिनल केसेस आते हैं इसमें। इसके अलावा जूनियर कोर्ट यानी ये बच्चों के लिए होता है, जो 18 साल की उम्र से कम होते हैं वैसे बच्चों के लिए जूनियर कोर्ट होता है। इसमें सिर्फ 18 साल से कम उम्र के बच्चों के केसेस चलाए जाते हैं। इससे हटकर अगर अपन देखें तो DRT है, डेप्ट ट्रिब्यूनल बोल के, जिसमें अगर आप चेक बाउंस हो गया या किसी बैंक का आप कर्जा बाकी है तो ऐसे केसेस उसमें चलाए जाते हैं। इसके अलावा वक्फ ट्रिब्यूनल है, वक्फ ट्रिब्यूनल में आप सिर्फ वक्फ से जो मुतालिक ज़मीनात है तो वैसे केसेस को इस वक्फ ट्रिब्यूनल में चलाया जाता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में भी केसेस चलाए जाते हैं। वो ऐसे केसेस चलाए जाते हैं जो एम्प्लॉयमेंट से ताल्लुक़ है, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉई है तो उसके ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल कोई कार्रवाई हो रही है या सस्पेंशन है, तो वैसे केसेस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं जी। इसके अलावा हाई कोर्ट है हमारे पास जी। अगर सिविल कोर्ट में हम किसी सिविल तनाज़े में अगर लोग हार गए, कुछ प्रॉब्लम आ गया, दो वो है इसमें, प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, मुद्दई मुद्दयालय यानी प्लेंटिफ डिफेंडेंट, इसमें से अगर कोई एक पार्टी केस हार गई तो इसकी अपील के लिए हाई कोर्ट को जा सकते हैं आप जी। ये सिविल मुकदमात और फौजदारी मुकदमात में कोई अगर डिफरेंस है? हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ मैं जी कि सिविल जो मुकदमात है मकानात के ताल्लुक से, अगर किसी की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया इलीगल तरीके से, तो वैसे केसेस को सिविल सूट कहा जाता है और ये सिविल कोर्ट में चलाए जाते हैं। क्रिमिनल केसेस जो है, जैसा कि मर्डर है, चोरी है और दूसरे क्राइम्स है, तो ऐसे जो केसेस होते हैं वो क्रिमिनल कोर्ट में चलाए जाते हैं जी। तो क्राइम जितने भी रहते हो क्रिमिनल कोर्ट में चले जाते हैं, सिविल नेचर जितने भी केसेस है वो सिविल कोर्ट में चले जाते हैं जी। आए दिन सेक्शन 498 AIPC के गलत इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ बताइए। ये 498A जो है ख्वातीन की तरफ से उनको जहेज हरसानी के लिए 498 होता है, ये IPC 498A जहेज हरसानी में इस्तेमाल होता है। इसमें एक्चुअल प्रीवियसली ये होता था कि अगर कोई जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराए कि शौहर की तरफ से जहेज के लिए हरसानी कर रहे हैं, तो वैसे केसेस में पुलिस वाले इमीडिएट केस रजिस्टर करते थे और फैमिली के जितने भी मेंबर्स लिखा है, अगर मिसाल के तौर पे किसी फैमिली में 10 मेंबर्स है जी, शौहर है, शौहर के अलावा उनकी मदर है, सिस्टर्स है, ब्रदर्स है, तो पूरे 10 के 10 आदमी के नाम वो FIR में दर्ज करा देते थे जी। एक्चुअली फैक्ट्स करेक्ट रहे या मत रहो, लेकिन फिलहाल पुलिस वाले उसको FIR करके वो लोग को अरेस्ट करते थे। लेकिन सम रिप्रेजेंटेशंस के बाद थोड़ा सा उसमें नरमी ही है कि अब वो लोगों को तो अरेस्ट नहीं करते वैसा, लेकिन बुला के उसमें काउंसिलिंग होती, काउंसिलिंग के बाद फिर अरेस्ट होता है जी। इस पर कानून उनको अरेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद बेल के लिए जा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा हरसानी होती हो सकती है, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो ख़वातीन रहते हैं उनकी तरफ से अगर कुछ गलत बयानी हो जाए तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है जी। ये जो ज़्यादा अदालतें जो इंडिया में है उसके बारे में कुछ बताइए, और अगर अभी एक नया आया ना लोक अदालत जी, उसके बारे में कुछ बताएं। इंडिया में जो अदालतें हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट, सबसे बड़ी अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट है जी। उसके बाद अगर स्टेट लेवल पे देखें तो आप हाई कोर्ट है,
अगर हाई कोर्ट के बाद अगर देखें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद सिटी लेवल पर भी कोर्ट्स है जी। तो इस ये कोर्ट्स इतने होने के बावजूद भी हमारे पास केसेस की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आज कई हज़ारों की तादाद में केसेस हमारे पास पेंडिंग है जी। तो इस केसेस को कम करने के लिए लोक अदालत का क़याम अमल में लाया गया जी। तो लोक अदालत में होता ये है, दो फरीकिन यानी किसी भी केस में अगर दो फरीकिन होते हैं, प्लेंटिफ होता है, डिफेंडेंट होता है, या कंप्लेनेंट होता है, या अक्यूज होता है, तो ऐसे केसेस में दोनों की रजामंदी से ये केस को लोक अदालत को ट्रांसफ़र कर दिया जाता। लोक अदालत में जब भी केस ट्रांसफ़र हो जाता तो वहाँ पर इसको सेटलमेंट हो जाता जी, आपस के तमाम जो भी तनाजात है उसको ख़त्म करते हुए इसको कोर्ट की जानिब से अवार्ड दे दिया जाता है, यानी दोनों के बीच में जो भी अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो भी डिसीजन लेना है वो कोर्ट लेके उसको केस को क्लोज कर देता है। तो लोक अदालत के जरिए एवरी 3 मंथ्स में एक बार लोक अदालत लगाया जा रहा है, इससे लाखों की तादाद में केसेस ख़त्म हो रहे हैं कोर्ट में, लेकिन इसके बावजूद भी अभी कई हज़ारों की तादाद में कोर्टों में केसेस पेंडिंग हैं। तो लोक अदालत का मकसद ये होता है कि बगैर किसी तकलीफ़ के आसानी से और इमीडिएट एक ही दिन में दोनों फरीकिन को की तरफ से दरख्वास्तें लेके उस केस को डिसॉल्व कर दिया जाता है, यानी सॉल्व कर दिया जाता जी। ये मैट्रिमोनियल जो केसेस रहते हैं उसमें कब ख़वातीन को आगे बढ़ना चाहिए केस करने के लिए? ख़वातीन जो है अक्सर ऐसा होता है कि इमीडिएट शादी होती है, शादी के बाद इमीडिएट जो सो शौहर के या ससुराली रिश्तेदारों से कुछ भी अगर तनाज़ा पैदा होगा इमीडिएट पुलिस स्टेशन को चले जाते, तो ये जो इमीडिएट लोग पुलिस स्टेशन को जाके अपने ससुराल वालों के ख़िलाफ़ कंप्लेंट दर्ज करते वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए मसला जो भी है उसको हल करने के लिए आपस में बैठ के हल कर लेना चाहिए, और मैक्सिमम बड़े लोग जो ख़ानदान के होते हैं उनके पास बैठना चाहिए हल करने के लिए। अगर वैसा नहीं भी हुआ तो अक्सर ऐसा देखने में आता है, मैं केसेस जो डील करता हूँ ये 498 के, तो जो शोहरों की तरफ से उनके जो पेरेंट्स रहते हैं, जब ये लड़की किसी केस में जाके इमीडिएट अपना केस फाइल कर देती है तो ये लोग पुलिस वाले उनको बुलाते हैं, जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं, खैर जो भी बात होती है उन्होंने ये मशवरा देते हैं पुलिस वाले कि आप लोग बैठ के काउंसलिंग करो, काउंसलिंग करने के बाद उस पुलिस स्टेशन की तरफ से ही काउंसलिंग का निज़ाम है, उसमें 3 काउंसलिंग होते हैं, 1 महीने में एक, 1 महीने में एक, 1 महीने में, यानी 3 महीने तक काउंसलिंग होती है उसकी। जब पुलिस वाले काउंसलिंग के लिए भेजते हैं तो काउंसलिंग तो होते रहती है, लेकिन लड़के के पेरेंट्स जो है ये सोचते हैं अरे ये लड़की इमीडिएट हमारे को पुलिस स्टेशन भेजा दी, ऐसी लड़की के साथ हमारा बच्चा क्या जिंदगी खराब हो जाती है लड़की, तो उसी वजह से ये लाइफ में एक बिगाड़ पैदा हो जाता है। उन लोगों की थिंकिंग ये रहती अरे ये हमारी बहू हमारे बच्चों को पुलिस स्टेशन को भेजा दी, ससुराल वालों को पुलिस स्टेशन को भेजा दी, ऐसी बच्ची के साथ हम क्या ज़िंदगी गुजारेंगे। तो मेरा सोचने का मकसद ये है कि इमीडिएट वैसा जाने के बजाय लीगल सर्विस अथॉरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सुप्रीम कोर्ट की जब से 1987 एक्ट के तहत ये लीगल सर्विस अथॉरिटी का अमल में लाया गया था, इम्प्लीमेंट कराया गया था, तो आज ये 1995 में ये बाज़ाब्ता कानून बना के लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाया गया। तो ये लीगल सर्विस अथॉरिटी में एक PLC बोलकर एक होता, प्री लिटिगेशन केस। प्री लिटिगेशन केस का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पे जैसा कि ये लड़की इमीडिएट पुलिस स्टेशन को चले गई तो उसे एक बैड इंप्रेशन आ रहा कि उनकी फैमिली है सारे हमारे पुलिस स्टेशन भेजा दिए, तो ये PLC में क्या होता, एक नोटिस रिश्तेदारों को भेजाते उनके लड़की के भेजा के उनको बुलाते हैं वहाँ पे एक सिटिंग जज होते उन्होंने एज ए सेक्रेटरी वहाँ पे बैठ के वो दोनों फरीकिन को बुला के सामने बिठा के मसले को हल करने की कोशिश करते। तो मैं ये 498 केसेस में जो ख्वातीन इमीडिएट स्टेप लेती हैं वो ना लें, वो लीगल सर्विस अथॉरिटी जो सिटी सिविल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, हाई कोर्ट लेवल पे है, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे है, हर लेवल पे ये लीगल सर्विस अथॉरिटी का एक ऑफिस होता है, उसमें एक सेक्रेटरी होता, तो वो लोग इमीडिएट एक्शन लेने के बजाय इस तरीके से अगर गए तो मैं समझता हूँ कि उनकी फैमिली को भी बुरा नहीं दिखता, ये लोग एक बिल्कुल जनरल आम माहौल में बिठा के बात करते, तस्वीर करने की कोशिश करते जी। नाज़रीन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। आदाब हैदराबाद। जो अदालतों में जो केसेस होते हैं उसमें इतना ज़्यादा वक्त लगता, तो इसके लिए गवर्नमेंट या अदलिया कुछ नया कर रही है? हाँ, अदलिया उसके लिए बहुत सारा काम कर रही है। एक्चुअल डिले होने की वजह सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि दो फरीकिन रहते, जैसा मैं भी वकील हूँ, दूसरे भी सामने वाले, अब अगर मैं प्लेंटिफ की तरफ से हूँ तो डिफेंडेंट की तरफ से कोई दूसरा वकील आता, जब कुछ भी मौका रहता तो उसमें क्या करते,
ऑनरेबल से रिक्वेस्ट करके टाइम ले लेते जी। तो हर दफ़ा ऐसे ही होता, कई दफ़ा टाइम लेने के बाद उसमें कोई पिटीशन फाइल करना रहता, पिटीशन फाइल नहीं करते, कोर्ट की तरफ से हमारा जो राइट रहता उसको फोरफिट कर दिया जाता, एक दो चार बार टाइम दिया जाता, उसके बाद फोरफिट कर देते। फोरफिट करने के बाद हम फिर हमारा जो राइट फोरफिट हुआ उसको रिकॉल करने के लिए एक पिटीशन डालते हम। तो इस तरीके से ये टाइम, और जब रिकॉल पिटीशन हम डालते हैं तो अदर साइड को फिर उसका काउंटर देना पड़ता, फिर उसके बाद आर्गूमेंट होता, फिर उसके बाद कोर्ट उसको ऑर्डर पास करता। तो ये प्रोसेस जो लंबा है, अच्छा, इसकी वजह से केस लंबा हो जाता। उसके लिए हुकूमत की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ये कोशिश की जा रही है, लोक अदालत जी। लोक अदालत के जरिए इमीडिएट केस को सॉल्व कर दिया जाता, दोनों फरीकीन अगर राजी हैं तो इमीडिएट एक ही दिन में पूरा केस आपका क्लोज कर दिया जाता। और लोक अदालत से एक फ़ायदा ये भी है आपको कि अगर लोक अदालत में अगर आपका केस फाइल हुआ, वहाँ पे आपका कंप्रोमाइज़ हो गया, तो आप जो फीस बने थे जब सिविल कोर्ट में जब केस फाइल करने के टाइम पे जो कोर्ट फी दिए थे, वो कोर्ट फी भी आपको वापस दे दे रहा कोर्ट। आजकल जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें लोग मार के चले आ रहे हैं, अगर उन वो मोमेंट पे अगर कोई इंसान किसी की मदद करे तो इस कानून में इसका क्या है? नहीं, एक इंसानी फरीजा भी है कि अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसको उठाए और दवाखाने को शिफ्ट करे या पुलिस को इन्फॉर्म करे। अगर आप ये दोनों भी काम नहीं कर सकते तो कम से कम एक फ़ोन करके 108 को फ़ोन करके बोल सकते कि भाई फलानी जगह पे फलानी प्लेस पे एक्सीडेंट होगा। हाँ, थोड़ी सम टाइम ऐसा होता कि आप जब फ़ोन करते या कुछ आदमी मर जाता एक्सीडेंट की वजह से, तो पुलिस वाले है और दूसरे ये एम्बुलेंस के जो लोग आए वो लोग आपसे फ़ोन करके आपसे कांटेक्ट करते, भाई क्या हुआ था, कैसा हुआ था, या पुलिस को मालूम हुआ कि इन्फॉर्मेशन कौन दिए थे पहले, तो पुलिस वाले भी क्या करते, इमीडिएट आपसे कांटेक्ट करते, करके पूछते। तो उसमें क्या है, जनरल पब्लिक जो है थोड़ा सा परेशान हो जाती है, अरे पुलिस का फ़ोन आया हमारे को, तो उसमें घबराने डरने की बात नहीं है, आप एक एज ए इंसानियत के नाते उसमें मदद करना चाहिए और फ़ोन करके इतला देना चाहिए। अगर आपके पास वक्त है तो उसको दवाखाना भी शिफ्ट करना चाहिए या 108 को फ़ोन करके एम्बुलेंस को फ़ोन करके उसको बुलाना चाहिए, बुला के उसको तकमील को पहुंचाना चाहिए जी। जब प्रॉपर्टीज़ लेते और बेचते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदने जाते तो लोग अक्सर ये देखते हैं कि कई बास सेक्शंस में ऐसा है कि नोटरी डॉक्यूमेंट्स पे नोटरी करा लेते, नोटरी करा के वो इस नोटरी पे काम चलाते रहते, लेकिन ये कानूनी नज़र में दुरुस्त नहीं है जी। इसके लिए आपका जो भी परचेस कर रहे हैं प्रॉपर्टी आप, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है, और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए चंद कवानीन है जी। वो कवानीन में ये है कि वो जो बेचने वाला है उसके नाम पे प्रॉपर्टी होना, सिर्फ प्रॉपर्टी उसके नाम पे नहीं होना, अगर उसके नाम पे प्रॉपर्टी है होने के बावजूद भी वो प्रॉपर्टी जो है रजिस्टर्ड होना और उसका लिंक होना, इन्हों जो साहब खरीदे थे उनसे पहले कौन खरीदे थे और जो उन्होंने खरीदे जिससे खरीदे थे उनके बीच में जो लिंक है वो लिंक डॉक्यूमेंट भी रजिस्टर्ड होना। तो एक्चुअल सम जगहों पे बास वक्त ऐसा देखे में आता कि एक उसमें रजिस्ट्री रहती, उसके बाद की जो उन्होंने जो बेच रहे हैं दूसरे साहब को उन्होंने नोटरी से खरीदे, फिर उन्होंने जो खरीद रहे हैं उसके बाद उन्होंने अगर किसी को बेच रहे हैं तो जो सामने वाला जो खरीद रहा वो भी नोटरी रहता, तो उस वजह से उसका लिंक टूट जाता, लिंक टूट जाता और कानूनी हैसियत नोटरी की नहीं रहती, सिर्फ एक अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट रहता, उससे हट के कुछ भी नहीं रहता। तो इसमें रजिस्ट्रेशन कराना बहुत मस्ट है जी। इसी मुताबिक मैं आपसे और एक सवाल करूंगी कि जो ख़ानदानी प्रॉपर्टी को लेके जो झगड़े होते उसके बारे में कुछ बताइए। ख़ानदानी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो झगड़े होते हैं, मिसाल के तौर पे एक वाली साहब है जी। वाली साहब का इंतकाल हो गया, उनके नाम पे प्रॉपर्टी थी जी। जब भाया आपस में बैठे हुए हैं अब एक दूसरे के हिस्से के लिए झगड़ते हैं, अगर मुस्लिम माशरे में देखें तो आप जामी निज़ाम से आप फतवा ले सकते हैं, अगर आपको मालूम नहीं है तो उसमें ये बताया जाता कि अगर उनके पांच बेटे हैं तो पांच बेटे हैं, एक बेटी है, दो बेटी है, जो भी है, तो उनके हिसाब से उनको किसको कितना कितना शेयर आएगा वो कैलकुलेट करके वो लोग बता देते। तो फतवे के हिसाब से आप अपना जो भी शेयर है वो हासिल कर सकते, लेकिन अगर एज पर शरई एतबार से देखिए, अगर मुस्लिम फैमिली से अगर जो लिटिगेशन जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसमें एक्चुअल देखना, एक्चुअल ये करना चाहिए कि मैं हूँ, मिसाल के तौर पर मैं एज ए फादर हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो मैं अपने मरने से पहले उसको विल कर देना चाहिए या नहीं, तो फिर उसके जो भी डॉक्यूमेंट है उसके बारे में गिफ्ट कर सकते, अपनी लाइफ में उस लोगों को गिफ्ट कर दे सकते, अगर गिफ्ट भी नहीं कर सके तो विल कर देना चाहिए। विल का मसला ये रहता कि
जो विल करने वाला है उसके मरने के बाद वो विल चालू होती है। तो बेटर तरीका ये है कि मरने से पहले अपनी लाइफ में अपनी जायदाद को विल कर देना चाहिए, ताकि आने वाले वक्तों में अपनी औलाद आपस में नहीं लड़े, और जो आपकी विल है वो विल के हिसाब से वसीयत के हिसाब से जो भी आप तरका अपने तकसीम करेंगे आपके विरसा में, तो वो बेटर रहता है। जी, आजकल जो सूदखोरों के जुल्म से कैसा बचा जाए? जो ज़रूरतमंद रहता वो बिल्कुल अंधे आदमी की तरह होता। जी, सामने वाला अगर आपको हाई रेट इंटरेस्ट पे भी अगर पैसे दे रहा तो फौरी जाता उससे वो पैसे ले लेने को चाहता। तो जब भी वो पैसे हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट मालूम करें, सबसे पहले तो प्राइवेट आदमी से पैसे ना ले, सूदखोर जो होते हैं उनसे पैसे ना ले। आपको बैंक है, बैंक से लोन ले सकते हैं। आजकल कई बैंक प्राइवेट बैंक जैसे प्राइवेट लोन भी देते हैं आपको, तो लेकिन बैंक से भी जब आप लोन लेते हैं तो उसके बारे में ऐसा पहले तफसील से पढ़ना चाहिए, उसमें जो कंडीशंस रहते हैं इमीडिएट आँख बन करके आप उस पर साइन करते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। और सूदखोरों का मसला जो है, अगर उनसे आप पैसे ले रहे हैं तो पहले का पहले आप हर चीज़ से मुतमईन हो जाए, वो आपको कितने पैसे दे रहे हैं, फिर इंटरेस्ट रेट उनका क्या होगा और कब तक आपको वापस करना है, ये तमाम चीज़ें आप क्लियर कर लेना चाहिए। जी, उसके बाद अगर उस इन तमाम कंडीशंस के बाद उसका एक पेपर लिख लेना चाहिए, और पेपर को कोई लॉयर से या किसी जानकार से अच्छी तरीके से वो लेटर को लिखा लेना चाहिए, लिखा के उस पर दोनों पार्टी फरीकीन के साइन लेना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अगर वो आपको तंग कर रहा, परेशान कर रहा, अगर आप उसको देने के कंडीशन में नहीं हैं, तो अगर आप लोन लिए हैं, हैंड लोन लिए हों या जो भी पैसे लिए हैं, वो तो वापस करना आपको हर तरीके से ज़रूरी है। अगर नहीं कर सकते हैं, कुछ मजबूरी है और सामने वाले का बहुत इसरार है, अगर वो आपकी तकलीफ़ को नहीं समझ सक रहे हैं, तो फिर आप कोर्ट के से कोर्ट को जा सकते हैं, या अगर उसका जुल्म ज़्यादा हो रहा कुछ तो आप पुलिस स्टेशन को भी जा सकते हैं। जी, हादसे के केसेस में विक्टिम और मुलजिम को क्या करना चाहिए? हादसे यानी कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जी हाँ, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अगर कोई इंजर्ड हो गया उसमें, तो इंजर्ड जो भी एक्सीडेंट करने वाला है उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है। कंप्लेंट कर सकता है, ये क्रिमिनल केस हो गया। इसके अलावा अगर इंश्योरेंस है, जी, खुद जिसका एक्सीडेंट जो इंजर्ड है उसकी गाड़ी का भी अगर इंश्योरेंस है, और सामने जो एक्सीडेंट कर रहा है उसकी गाड़ी का भी इंश्योरेंस है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। उसको सिविल मुकदमे ओपी होता, ओपी फाइल करके आप उससे अपना जो भी नुकसान हुआ है वो नुकसान का वो लोग आके इमीडिएट इंस्पेक्शन करते, अब इमीडिएट पुलिस को इन्फॉर्म करना, साथ ही साथ आपका इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको भी इन्फॉर्म करने पर आपको वो लोग आके इंस्पेक्शन करके आपका जो भी नुकसान हुआ कितना हुआ उसको देख के आपको इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। जी, जो गिरफ्तार अफराद रहते हैं उनके हकूक के बारे में कुछ बताइए। गिरफ्तार आदमी जो होता है उसको कोर्ट की जानिब से बेल दी जाती, चाहे वो किसी भी केस में उसको अरेस्ट किया जाता है तो उसको बेल दिया जाता है। वो बेल के लिए आप किसी जो भी मुतालिका कोर्ट है आपका, जिस ज्यूरिडिक्शन में आप आते हैं, तो उसमें एक बेल पिटीशन फाइल कर सकते हैं। बेल पिटीशन वहाँ फाइल करने के बाद कोर्ट आपको जो भी श्योरिटीज है श्योरिटीज के ऊपर आपको ग्रांट कर देता बेल। ये तो उसका एक जो बाहर रहते, ये तो जेल में है, जेल के बाहर जो भी उसके रिश्तेदार रहते उन्हों उसकी जिम्मेदारी पूरी कर देते। लेकिन सम टाइम्स ऐसा होता कि जेल में जो लोग रहते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स या कोई भी आते नहीं, जिसकी वजह से वो जेल में कई दिनों तक सड़ता रहता बेचारा। अगर उसको बेलेबल भी अफेंस है, बेलेबल अफेंस मीन्स इमीडिएट आप कोर्ट में जाके एप्लीकेशन फाइल करें, तो कोर्ट सिंपली श्योरिटी पे बेल ग्रांट कर देता। जी, तो वो सिचुएशन के लिए भी उनके पास कोई आदमी नहीं रहता और पैसे पेमेंट करने वाला नहीं रहता। जी, तो उसके लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी एक इदारा है जो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मंडल लेवल पे, हाई कोर्ट लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे है। जी, तो वहाँ पर आप एक दरख्वास्त दे सकते हैं, या आपको जिस दिन भी कोर्ट में लेके आते, जो मुलजिम रहता है उसको हर 15 दिन में या 1 महीने में डेट दिए जाते, तो उसको लाके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते, तो वहाँ पे वो बोल सकता कि मेरे को लीगल सर्विस के अथॉरिटी की जानिब से मेरे को एक वकील दिला ताकि मेरी बेल कर सका है। जी, तो वैसा भी कर सकते हैं, या अगर नहीं उनके फैमिली मेम्बर्स है, अगर पैसे नहीं है उनके पास, गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो वो लोग भी अपनी दरख्वास्त सेक्रेटरी सिटी सिविल कोर्ट में लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी को दे सकते, वो लोग बेल कराने का बंदोबस्त करते। अगर बाई चांस आपको कोई तकलीफ़ हो रही जेल के अंदर, जी, वक्त पे खाना नहीं मिल रहा या और दूसरे किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ है, तो कोर्ट वो जेल के अंदर भी लीगल क्लिनिक बोल के होता, लीगल क्लिनिक हफ्ते में एक बार वो लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से एक पैनल लाया रहता, पैनल लाया जाके वो वहाँ पर बैठता हूँ लीगल क्लिनिक में,
लीगल क्लिनिक में अगर आप जेल के अंदर वो एक दिन मुकर्रर कर देते, हफ्ते में एक दिन या दो हफ्ते में एक दिन, ऐसा वो लॉयर्स आके वहाँ बैठते, तो उनके पास जाके आप शिकायत कर सकते कि हमको ये प्रॉब्लम है जी। तो वो लोग लीगल सर्विस अथॉरिटी के जरिए आपका जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते जी। अगर पुलिस किसी एक जानिब है मुलजिम के और उनका साथ नहीं दे रहे, तो उस वक्त मुलजिम को क्या करना चाहिए अगर, अगर उनकी गलती नहीं है, पुलिस वन साइडेड है यहाँ जी, तो उसके लिए आप जो सो उनके हायर अथॉरिटीज़ को एक कंप्लेंट दे सकते। अगर हायर अथॉरिटीज़ में बोलने के बाद भी नहीं हो रहा तो उसके ऊपर हायर अथॉरिटीज़ में करते, अगर वो भी नहीं सुन रहे हैं तो आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी एक लेटर लिख सकते हैं, आपका रिट पिटीशन मूव होता है उसमें जी। पब्लिक इंटरेस्ट पे भी डाल सकते हैं अगर कोई दूसरे डालना चाह रहे हैं, यानी सेल्फ जो मुतासिरा पर्सन है वो भी अपनी तरफ से डाल सकते हैं। नाज़रीन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। आदाब हैदराबाद। आजकल जो ये लोन ऑनलाइन लोन जो ले रहे हैं और बहुत बुरी तरीके से कॉल्स करके धमकी दे रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए आप। पहली चीज़ तो मैं अभी आपको पहले ही बताया कि लोन लेने वाला बिल्कुल अंधेपने से बिल्कुल आँख बंद करके किसी भी चीज़ को जो उसको पैसों की ज़रूरत है वो फॉर इमीडिएट पैसे हासिल करने के लिए बगैर किसी सोचे समझे कि वो पैसे हासिल करने के लिए आगे बढ़ जाता। तो कोई फ़ोन आया आपको क्या रेट से आपको, नहीं उनके फैमिली मेंबर्स को भी हिरासा करा जा रहा था। हाँ, इस बारे में तो वही मैं तफसील पे आ रहा हूँ कि आपको पैसे की इतनी साफ ज़रूरत है कि आपको बगैर किसी सोचे समझे किसी सामने वाले के खवानीन जो भी कंडीशन उसके शरायत है उसको पढ़े समझे समझने के बगैर आप साइन करते हैं और फौरी इमीडिएट पैसे हासिल करने की कोशिश करते। तो हरगिज़ वैसा नहीं करना चाहिए। पहली चीज़ कोई भी अगर कॉल करके आपको पैसे दे रहा तो क्या वजह से दे रहा, क्या इंटरेस्ट रेट है उसका, किस वजह से दे रहा, वो तमाम तफसीलात से आप वाकिफ़ होना। और जो ये लोग कर रहे हैं, सम प्राइवेट बैंक्स ऐसा करते हैं कि फ़ोन करके थ्रेटनिंग करते हैं, लेने वाले को भी करते हैं, उसके घर पे भी जाते हैं, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि उसको उठा के भी लेके जाते हैं, वो सब इलीगल है। उसके लिए आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं और पुलिस उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेती जी। आजकल जो आम लोग परेशान हैं अदलिया को लेके, तो उसके बारे में कुछ वो लोग को अवेयरनेस कुछ समझाइए आप। हाँ, इसके लिए अभी थोड़ा अवेयरनेस आना ज़रूरी है पब्लिक में जी। लेकिन अवेयरनेस आने के लिए अभी मैं जब बताया आपको ये 1987 एक्ट है लीगल सर्विस का, वो एक्ट के तहत 1995 में इसको कानूनी इम्प्लीमेंटेशन कानूनी तौर पर इम्प्लीमेंटेशन किया गया है लीगल सर्विस अथॉरिटी जी, जो हर कोर्ट में मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट से लेके आपके नीचे सिटी लेवल तक जितने भी कोर्ट्स है हर लेवल में ये मंडल्स में ये कोर्स है लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो ये लीगल सर्विस अथॉरिटी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कानूनी इमदाद देते। कानूनी इमदाद से मुराद फ़र्ज कीजिए ख्वातीन है, ख्वातीन के लिए किसी किस्म का कोई पैसे नहीं लेते, सिर्फ एक दरख्वास्त अगर सेक्रेटरी लीगल सर्विस अथॉरिटी को आप देते हैं जी। तो सिटी लीगल सर्विस अथॉरिटी वाले आपका जो भी केस है, मिसाल के तौर पर 498 केस फाइल करना है जी। तो वो लोग करते, आपसे पैसे नहीं लेते जी। और उसके अलावा मेंटेनेंस केस है वो फाइल करते, उसके लिए पैसे नहीं लेते। अगर दो फरीकीन के बीच में कोई लेन देन के मामले में या किसी सिविल केस के बारे में कुछ भी किस्म का कोई केस है तो उसके लिए PLC लोग खुद अपनी तौर पे करते, अगर उसमें सेटल नहीं हो रहा प्रोग्राम जी, वो केस सॉल्व नहीं हो रहा, तो कोर्ट को जाने के लिए आपको लीगल एड पूरी तरीके से देते, उसमें आपको एक वकील का इंतज़ाम करते और कोर्ट का जो एक्सपेंसेस होता जैसा टाइपिंग का खर्चा है दूसरे कोर्ट फी है वो तमाम चीज़ें लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से बेयर करते वो लोग। तो वो पब्लिक को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि पब्लिक को ये आइडिया नहीं है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट कानूनी इमदाद की जाती जी। तो वो अवेयरनेस के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी भी कई स्कूल्स में कॉलेजेस में पब्लिक प्लेसेस पे ये लोग अपने अवेयरनेस कैंप कंडक्ट कर रहे हैं जी। तो उस वहाँ पर गए तो ये इनकी जो दुश्वारी है वो दूर हो सकती। अब जो नई हुकूमत है कुछ तब्दीली ला रही, नई खवानीन कुछ ला रही अदलिया के लिए। अदलिया के लिए तो IPC है CRPC है, ये इसमें तो अमेंडमेंट लाना है तो पार्लियामेंट का काम है जी। तो पार्लियामेंट के अमेंडमेंट एक्ट से हो सकता अमेंडमेंट ला सकते हैं उसमें, लेकिन फिलहाल मौजूद जो CRPC IPC है उसके उसको तो फॉलो करते हैं। लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में कुछ बताइए आप। लीगल सर्विस अथॉरिटी जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, इसमें कई सारे स्कीम्स है जी। सबसे पहले ये ऐसे लोगों को कानूनी इमदाद करते हैं जिसमें ख्वातीन है, हैंडीकैप है जी। या किसी किस्म के अफेक्टेड एरिया से, जैसा कि मिसाल के तौर पे
साइक्लोन आ गया या किसी वजह से ये दूसरे शहर से दूसरे शहर को जाके शिफ्ट हुए हैं, तो इन परेशान हाल में हैं ये लोग, तो ऐसे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से कानूनी इमदाद दी जाती है। जी। इसके अलावा एसिड अटैक, अगर किसी एसिड अटैक जो मुतासर है तो उसके लिए 3 लाख का एक स्कीम है जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन ये सिटी लेवल पे क्रिमिनल कोर्ट की जानिब से वहाँ का जो सेक्रेटरी होता है लीगल सर्विस अथॉरिटी उसके पास अगर ये दरख्वास्त दे तो उनके लिए जो एसिड अटैक का होता है उसके अंदर क्या है परसेंटेज ऑफ जो जल जाता आदमी उसका परसेंटेज रहता 50%, 90%, 80%, तो वो एसिड अटैक में जो जलने वाले हैं उनके लिए इमदाद दी जाती है। जी। तो इमदाद के लिए दरख्वास्त आप क्रिमिनल कोर्ट के जरिए दे सकते हैं। इससे हटके ड्रग्स जो है, ड्रग्स के बारे में जो है एक्चुअल लीगल सर्विस अथॉरिटी हर कॉलेज में, बड़े से बड़े कॉलेज में, छोटे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, स्कूल्स में ये अवेयरनेस कैंप लगाती है लोग, ताकि आवाम के बीच में जो ये ड्रग्स का आजकल आम खास हो जा रहा है, कई स्कूल के बच्चे भी ड्रग्स के चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे अवॉइड करने के लिए हर स्कूल में एक अवेयरनेस कैंप लगाया जा रहा है लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से। जी, पहले से थोड़ी तब्दीली आई है। हाँ, उसके अंदर ये लोग जो मुतासिर हो रहे हैं तो उसमें अवेयरनेस आ रहा है उनको कि भाई ये चीज़ आप इस्तेमाल करने से आपको तकलीफ हो सकती, आपकी सेहत ख़राब हो सकती, तो उसके लिए ये लीगल सर्विस अथॉरिटी मुसलसिल अवेयरनेस कैंप्स लगा रही है। हाँ, बस सिटी सिविल कोड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिटी सिविल कोड में ये सेक्रेटरी लीगल सर्विस अथॉरिटी रहते हैं, उन्हों ये काम करते हैं, और हर स्टेट में हर जगह पे ये लीगल सर्विस अथॉरिटी मौजूद है आज के दौर में। जी, ये आजकल जो साइबर क्राइम चल रहा है उसके बारे में भी कुछ अगर आप जानकारी दे दें तो बेहतर। साइबर क्राइम्स का मामला ऐसा है कि अगर अपन जिस तरह से लालची बन गए तो आप नुकसान उठाते हैं उसमें। जी। वो लोग एक्चुअल क्या करते हैं, आपको फ़ोन करके ये बोलते हैं कि भाई आपके अकाउंट में फलाने जी उसमें पैसे आ गए आप ले लो। जी। इमीडिएट लोग क्या करते हैं उसको जो लिंक होता है लिंक को ओपन कर देते। जी। या समटाइम्स ऐसा भी होता वो कुछ ऐसा मटेरियल आपको पेश करते। जी। तो वो मटेरियल को अगर आप लिंक आप उसको टच करते तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे नीचे ले आते। जी, ये बहुत खतरनाक लेवल पे खतरनाक ले, तो हम कभी भी लालचीपने में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब आप पैसों का लालच आ गया आप वो लिंक को क्लिक करें तो आपके अकाउंट के पैसे वो आते जो भी नॉमिनल बताते हैं लेकिन वो ये पैसे चले आते हैं आपके। जी, थोड़ा लेने के लिए ज़्यादा नुकसान हो जाता, और समटाइम्स ऐसा भी होता कि वो गलत साइट से आपको ये सब डाल देते। जी। लोग उसमें भी चले जाते समटाइम्स, उसको भी क्लिक कर देते, वो क्लिक करने के बाद आपका ये नुकसान हो जाता कि आपके अकाउंट से पैसे ये होते। उसके लिए क्या है, आप इमीडिएट जैसे ही आप महसूस कर रहे हैं कि आपका नुकसान हुआ है कंसर्न पुलिस को ऐसे इन्फॉर्म करना। ये साइबराबाद के क्राइम के लिए आपको CCS में एक स्पेशल डिपार्टमेंट है, उसमें जाके अगर आप विथ इन टाइम जैसे जाके अगर कंप्लेंट कर दिए तो आप इमीडिएट उसको रिकवर कर सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप जो आप यहाँ पर तशरीफ लेके आए दूरदर्शन यादगिरी चैनल पर, आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये दूरदर्शन का प्रोग्राम पसंद आया। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी। आदाब हैदराबाद।